नमस्कार दोस्तों, नर्बन लाइटिंग इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ड्राइवर अच्छा होता है, कौन सा ड्राइवर खराब होता है। क्योंकि खराब और कौन सी पीसीबी अच्छी होती है, कौन सी पीसीबी खराब होती है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको एलईडी बल्ब के ड्राइवर और पीसीबी में पूरी जानकारी मिल सके कि खराब कौन सा होता है, अच्छा कौन सा होता है, इन सब की जानकारी आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और मैं आपको बता दूं कि नर्विन लाइटिंग इंडस्ट्री नोएडा में है। कंपनी का पूरा एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे भी मटेरियल मंगा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, कई लोग क्या कहते हैं कि वीडियो तो यूट्यूब पर बहुत सारी चल रही होती हैं, कई सारे आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे, लेकिन कोई कहता है सर पहले पैसा दे दो, कोई कहता है कि पहले ऑर्डर कर दो, आधा पेमेंट दे दो कि पूरा पेमेंट दे दो, उसके 15 दिन बाद हम आपको मटेरियल भेजेंगे, या मटेरियल आपको भेजा ही नहीं जाता, पैसा डलवाने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन अपने पास क्या है कि अपने पास कैश ऑन डिलीवरी की भी सर्विस है। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको ये जो वीडियो में नीचे नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अपना मटेरियल बुक करवाना है और कैश ऑन डिलीवरी में आपका मटेरियल आपके घर तक पहुँचेगा। जब आपका कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है जब मटेरियल आपके घर पहुंचे उस समय पे आप पैसा दें, पहले पैसा ना दें, ये चीज होती है। और जिनको विश्वास रहता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काम कर चुके हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं बहुत पहले से, जिनको पता है कि कंपनी चल रही है, सही चल रही, तो आप वो ऑनलाइन ऑर्डर करके, ऑनलाइन पेमेंट करके भी मटेरियल मंगा सकते हैं। तो चलो आज की मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अभी एक आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ये ड्राइवर आप देखेंगे तो एक ड्राइवर ये है और दूसरा ड्राइवर ये है, तीसरी ये ड्राइवर है, इसी तरीके से पीसीबी में ये भी 9 वाट की पीसीबी है, ये भी 9 वाट की पीसीबी है और ये भी 9 वाट की पीसीबी है। पर इन तीनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, अच्छी कौन सी है, खराब कौन सी है। ये ड्राइवर है, ये क्वालिटी, ये और ये, इन तीनों में खराब कौन सा है, अच्छा कौन सा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है, कहानी स्टार्ट होती है कि वैसे तो क्वेश्चन तो हमारे पास कई दिनों से था कि हम एक वीडियो बनाएं इसके ऊपर। तो आज मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बिहार से ऐसे यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, तो इस ड्राइवर के बारे में पीसीबी की जानकारी की वीडियो हमने पहले भी दी हुई है। तो फिलहाल अपने पास क्या होता है, जैसे कि ये है, इसके साथ में हम ये वाली पीसीबी चलाते हैं, तो इसकी एक वीडियो है अपने चैनल पे। तो वीडियो देख के एक सज्जन का हमारे पास कॉल आया अभी पिछले दिनों, करीब 3-4 दिन हो गए जब। तो उन्होंने कहा सर मुझे एलईडी बल्ब का रॉ मटेरियल चाहिए, आप मुझे ड्राइवर का और पीसीबी का फोटो भेज दें कि फोटो किस तरीके का मैं देख लूं। तो उनको मैंने एक क्वालिटी का फोटो भेज दिया, मैंने कहा सर ये वाला ड्राइवर है और ये पीसीबी है। तो उनका फोटो देखते ही, छूटते ही जवाब आया सर ये वाली मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों, क्यों नहीं चाहिए, कि इसमें रिप्लेसमेंट बहुत आता है। मैंने कहा सर 5 से 10% तो अच्छे से अच्छे और बड़ी अच्छे से अच्छे ब्रांड में भी 5 से 10% की रिप्लेसमेंट आती है, तो आपके में भी आएगी। कि नहीं, इसमें तो 50%, 100% भी रिप्लेसमेंट है। मैंने कहा ऐसे कैसे है। तो मैंने कहा आपने किस तरीके से बना के भेजा, आप मुझे वीडियो बना के एक भेजो कि ये वाला मटेरियल हमारे पास है। तो जब उन्होंने वीडियो बना के भेजी, तो इसमें मैं बता दूं, मैंने उसमें देखा था तो क्या था कि होता क्या है,
ये भी किसी एक कंपनी ने बताया। अब इसका मैं रीजन बता दूं कि उन्होंने छूटते ही बोला कि सर ये मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, ये ड्राइवर एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि ये ड्राइवर मैंने दिखाया, वो बोले कि ये ड्राइवर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसमें रिप्लेसमेंट ज़्यादा आता है। रिप्लेसमेंट क्यों आता है? अब या तो इस मटेरियल में कमी होगी, या फिर आपके असेंबल करने में, बनाने वाले में कुछ उसने गलती कर दी होगी जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट आता है। दो ही कारण होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी ड्राइवर किसी कंपनी ने ही बनाया और ये भी किसी कंपनी ने ही बनाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी खराब मटेरियल बनाएगी और ये कंपनी अच्छा मटेरियल बनाएगी। सारी कंपनियां जब पैसा लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो सब अपने हिसाब से अच्छा मटेरियल बनाते हैं। बट होता क्या है कि गलती परचेज करने वाले की होती है, गलती हम लोगों की होती है। हम मटेरियल को दोष दे देते हैं कि ये मटेरियल खराब है। एक्चुअली में मटेरियल कोई सा खराब नहीं होता। आप जब गौर से देखेंगे तो कंपोनेंट, जब आप गौर से देखेंगे तो कंपोनेंट, जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं वही कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। बस फर्क इतना है, किसी में डबल फ्यूज है तो किसी में डबल MOB है, बस यही फर्क है, बाकी फर्क कुछ नहीं है। IC बेस दोनों ड्राइवर हैं, इसमें भी IC बेस है, ये भी IC बेस ड्राइवर है। डिफरेंट क्या होता है? अब जैसे कि मैं इस PCB की बात करता हूँ, ये तीन PCB हैं, तीनों ने अलग अलग कंपनियों ने बनाई है। कोई भी PCB खराब नहीं बनाता, कोई भी मटेरियल खराब नहीं बनाता। कोई नहीं चाहता कि पैसा लगाने के बाद हमारा मटेरियल खराब हो या ज्यादा दिन ना चले, जल्दी रिप्लेसमेंट आए, तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। बस बात क्या होती है कि जैसे कि कई लोग, मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ड्राइवर, उन्होंने क्या किया, रेट सस्ते करने के चक्कर में क्या करते हैं कि ड्राइवर, किसी ने 25 पैसे 10 पैसे सस्ता दे दिया तो वहां से ले लिया, और PCB हमने 10 पैसे सस्ती दे दी तो PCB हमसे ले ली। और उन्होंने क्या किया कि इनकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो तो चेक नहीं किया कि ये किस पावर का है और ये PCB किस पावर की है। इनमें जब तक इन ड्राइवर और PCB की मैचिंग नहीं होगी, जो भी ये कंपोनेंट जिस पावर के लगे उसी पावर की PCB होनी चाहिए। इनकी जब मैचिंग बनेगी तभी बल्ब की लाइफ बनती है, 2 साल 3 साल 1 साल, तभी वो चलता है। पता चला ये तो हमने हैवी पावर का हमने ड्राइवर दे दिया और PCB हल्की क्वालिटी की लगा दी, तो इनकी जब तक मैचिंग नहीं बनेगी बल्ब नहीं चलेगा लाइव। हालांकि बल्ब जल तो जाएगा लेकिन 2 4 6 8 दिन, महीना 15 दिन में फ्यूज हो जाएगा। इसकी लाइफ नहीं बनेगी तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन आप ड्राइवर कहीं से लेके, PCB कहीं से लेके आप परचेज करके और ऐसे ही आप सेल करेंगे तो ये बल्ब ज़्यादा, इसकी लाइफ नहीं बनेगी, नहीं चलेगा। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ से भी खरीदें LED बल्ब का रॉ मटेरियल, एक ही जगह से खरीदें। और वो भी ये नहीं है कि चलते फिरते किसी से खरीद लिए, कोई किसी कंपनी को देखो जो कंपनी सालों से वर्क कर रही हो, अच्छी चल रही हो, उसके पास से लो, ताकि उसके पास टेक्निकल लोग भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं जो चेक करके उसको बनाते हैं और टेस्टिंग करके ही मार्केट में सेल करने के लिए रखते हैं बाहर। तो उस वाले मटेरियल में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और जब रिप्लेसमेंट नहीं आएगी तो आपको कोई लॉस भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ से भी खरीदें वहाँ से एक ही कंपनी से सेट खरीदें, ड्राइवर का PCB का, तो वो कंपनी आपको दोनों एक पावर की एक मैचिंग के देंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी रिप्लेसमेंट का, 50% रिप्लेसमेंट का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई लॉस नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि, तो ये बात मैंने उनको बताई जिनका कॉल आया था मेरे पास, तो वो बोले कि सर हमने एक ही कंपनी से दोनों चीज खरीदी थी। तो ये भी बता दूं, मैंने फिर पूछा कहाँ से खरीदी थी, बोले कि इस तरीके से दिल्ली में एक मार्केट है, उस मार्केट का अलग मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मार्केट में एक शॉप थी, उस शॉप से मैं खरीद कर आया था। अब शॉप वाले क्या करते हैं कि उनको भी, चलो जो बिहार लेके गए उनको तो भाई वारंटी में सेल करना था, तो उन्होंने तो जैसा भी किया लॉस तो उनको हुआ। अब दिल्ली में जिसने सेल कर दिया उसको कौन सा लॉस हो गया? बस वो तो क्या करते हैं कि
सस्ता मटेरियल जहां से मिल गया वहां से ड्राइवर ले लिया, वही वाली कहानी हो गई कि हमने गलती ना करके जहां से हमने परचेज की उसने गलती की है ये, और उसने जानबूझ के भी की है। क्यों की है? क्योंकि उसको तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, तो इसलिए कहीं से भी मटेरियल खरीदें तो एक कंपनी से ही खरीदें, चार कंपनियों से ना खरीदें, या पीसीबी कहीं से, ड्राइवर कहीं से, तो इस तरीके से ना खरीदें। बाकी की ड्राइवर पीसीबी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो, या एलईडी बल्ब का रॉ मटेरियल आपको ऑर्डर करके घर मंगाना है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी में भी मटेरियल मंगा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये जो नंबर चल रहा है वीडियो में, इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इससे ज़्यादा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बोला हूँ, और मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई स्पेशली कुछ जानना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर इस तरीके की एक वीडियो बना दो, तो वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें।